Meeting has been recorded. So wait a second. Start करो. तो यहाँ पे मैं create कर रहा हूँ फिर से new class. अच्छा try class last time में हुआ था हमारा exception handling. तो आपको पता है कि हमने क्या use किया था? नाम क्या था रखा? There are tons of. जाने दो इसलिए मैं कभी भी अच्छा ये एरर 8 है एक शायद मेरा चेक करते हैं और हाँ यही वाला था याद आ गया देखिए हमने एरे लिया था राइट एरे में हमने 3 इंडेक्स वाला एरे लिया था फिर एरर्स फॉर्म किए थे उसे मैंने बताया था 1 इंडेक्स लिया था 2 और यहाँ पे मैंने 3 लिया था तो कौन से टाइप का एक्सेप्शन आया था संकेत यहाँ पे अगर मैं 3 ले लूं इंडेक्स Yes, error index out of bound वाला exception आया था, correct है. Out of bound exception. Yes, यहाँ पे 3 type के exception हमने सीखे थे. कौन-से type के सीखे थे exception? Number format exception, you can see, यहाँ पे exception throw होता है, number format exception. Second one is called as error index out of bound exception, and third one is called as arithmetic exception. Arithmetic exception. Yes, अभी हम ये तीनों चीजों को एक बार फिर से हम test करके देखते हैं. Say करो, तीनों type के errors यहाँ पे present है. Check कराने के लिए, दिखाने के लिए. लास्ट टाइम जैसा मैं कुछ वैल्यूज एंटर करके दिखा देता हूँ सो मैंने डाल दिया 10 मैंने डाल दिया 20 एंड यू कैन सी मैंने ट्राई कैच लगाया था तो मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आया अब यहाँ पे मैंने जो एक्सेप्शन हैंडल किया है ये सबसे बड़ा पैरेंट क्लास का एक्सेप्शन हैंडल किया है राइट अगर मैं इसको हटा के जिस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है अगर उसको मैं कर दूँ तो ये स्किल उसको हैंडल करेगा अब यहाँ पे रन करके वन मोर टाइम मैं आपको दिखाता हूँ And you can see inter number. So suppose फिर से मैं डाल रहा हूँ और फिर से मैंने डाला and you can see still we have the same exception. But इसमें और previous वाले में फिर क्या problem थी या फिर क्या चीजें हैं? तो अगर मैं बात बताऊँ अगर array index bound वाला exception अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पे कोई भी exception handle करने के लिए नहीं है. देखिए मैं run कर दूँ फिर से एक बार अब मेरा exception वो नहीं आएगा array index out of bound exception नहीं आने वाला. You can see और answer देखो आया है because मैंने सारी चीजें correct डाली. अब मैं इसमें एक्सेप्शन क्रिएट करता हूँ यू कैन सी यहाँ पे एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करेंगे कि पहला नंबर डाल दो और दूसरा स्ट्रिंग डाल दी सो स्ट्रिंग इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर सो देयर इज अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और यहाँ पे देखिए जावा डॉट लैंग डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अब ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ नीचे का कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ बिकॉज हमने कैच तो हैंडल किया है बट जो हमने कैच हैंडल किया है वो हमारा कौन किस टाइप का है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड मतलब मेरा एरर तो हैंडल होगा बट सिर्फ और सिर्फ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड वाला अगर कोई एरर आएगा तो हैंडल होगा अच्छा तो फिर इसको कैसे करें देखिए बात ऐसी होती है कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन सेम होगा ऐसा नहीं रहता जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हर एक चीज़ का सोल्यूशन एक्सेप्शन से हैंडल करूँ अगर आप बोलोगे सर एक्सेप्शन से तो हो रहा था तो फिर तो वही सही था हमें ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी होती तो ऐसा बात ऐसी है कि हर एक बीमारी का सलूशन सेम दवाई नहीं होती वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही है अगर मैंने हर एक चीज़ का सलूशन अगर मैं इसे प्रिंट कर दूँ तो ये सही बात नहीं है मुझे क्या करना पड़ेगा हर एक एरर के लिए इंडिविजुअली मुझे हैंडल करना चाहिए वो सिचुएशन को तो उस सिचुएशन को बोला जाता है मल्टी कैच बॉडीज मतलब एक ट्राई रहेगा और वहाँ पे क्या रहेगा मल्टीपल कैच बॉडीज आपको प्रेजेंट दिखेंगे किस तरीके से तो यहाँ पे हम देखते हैं अब यहाँ पे मैं मल्टीपल कैच बॉडीज को ऐड कर रहा हूँ अब यहाँ पे जितने टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं वो सारे एक्सेप्शन मैं हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आने के चांसेस है सेकंड वन इज कॉल्ड एज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने के चांसेस है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लेता हूँ और लास्ट वन इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन को भी हैंडल कर दिया अच्छा समझने के लिए कि कौन सा कैच बॉडी एग्जीक्यूट होना है होने वाला है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरर तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला अगर एरर 1 आ रहा है तो मतलब इसने इसने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड वाला एक्सेप्शन को एग्जीक्यूट किया है अगर उसने एरर 1 बोला सेम चीज अगर वो एरर 2 बोलता है तो मतलब उसने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को एग्जीक्यूट किया है एंड सेम चीज अगर वो नंबर 3 बोलता है मतलब उसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल किया है चेक करते हैं तीनों टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल हो रहे हैं क्या सो वन मोर टाइम यहाँ पे फिर से आ गए और यहाँ पे मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड वाला पहले कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने 3 इंडेक्स कर दिया एंड रन करते हैं और वन मोर टाइम टेस्ट करते हैं
20, 10 divided by 2 and there is an exception. You can see error 1. मतलब इसने कौन सी कैच बॉडी का एग्जीक्यूट किया है? ये वाली, because जो exception आया है, that is nothing but array index of the body. Next type of exception is number format exception. तो वो भी करके देख लेते हैं. वो किस time आएगा? अगर मैं कुछ number डालूँ और फिर कुछ character या string डालूँ, so there will be the number format exception and that is executed by the second catch body and handled by the second catch body. Third one is called as arithmetic exception. Arithmetic exception कब आता है? जब मैं कोई भी number को divide by कर देता हूँ zero से. So 10 divided by 0, sorry, 10 divided by 0 and that is called as error 3. That is handled by the third catch body. Third catch body, that is nothing but error 3. और वहाँ पे लिखे आ रहा है java.lang.arithmetic exception divided by 0. So there are the three type of exception we handled. But अगर इनको छोड़ के अगर कोई भी type का exception अगर आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक exception भी रखना चाहिए, मतलब इनको छोड़ के. अब देखो, हमें जितना पता था उस सिनारियो के ऊपर हमने ये तीन टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल किया, बट इन तीन टाइप के एक्सेप्शन को छोड़ के भी अगर कोई और एक्सेप्शन ऑकर्ड होता है, वो कोई और एक्सेप्शन आता है, तो भी वो चीज़ हैंडल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर सोचो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमने गैस ही नहीं किया था कि इस कोड में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने के चांसेस है, ये मैंने गैस ही नहीं किया, मतलब सोचा ही नहीं किया अरे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ सकता है, तो वहाँ पे मेरा एक्सेप्शन आ जाएगा रन टाइम में, तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे तो एग्जीक्यूट हुआ, पर देखिए अगर मैं क्या कर दूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए तो जीरो, तो देखो फिर से एक्सेप्शन आ गया. मतलब मल्टी कैच बॉडी जब आप करते हो तो ऐसा है कि सिर्फ इतनी ही जो एक्सेप्शन है वही हैंडल हो पाएगी, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल हो पाएगा एंड सॉरी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हैंडल हो पाएगा एंड एरे इंडेक्स ऑफ द बॉन्ड एक्सेप्शन, इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन वो हैंडल नहीं करेगा. पर ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यूनिवर्सल एक्सेप्शन को भी ऐड करते हैं सबसे लास्ट में. इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको ये चीज़ करना है या नहीं करना. अब यहाँ पे एक्सेप्शन लगाने से क्या हो जाता है, JVM अगर rather than this exception, मतलब ऊपर के जितने भी एक्सेप्शन है उसके अलावा अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वहाँ पे वो फ्लो को ब्रेक ना करते हुए वो ये वाले एक्सेप्शन को करेगा. सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो जैसे हम else if करते थे तो लास्ट में जो else होता था वो अगर ऊपर की कोई भी सेटिस्फाइड ना हो कंडीशन तो लास्ट वाला else एग्जीक्यूट होता था. वैसे ही सेम सिनारियो है कैच के बॉडी में, अगर ऊपर के कैच बॉडीज अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती तो वो लास्ट वाली कैच बॉडी दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन, बिकॉज एक्सेप्शन इट इज द पैरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन. इसमें पूछा गया कि एकदम पैरेंट एक्सेप्शन कौन सा है, तो एक्सेप्शन जो क्लास है वो सबसे बड़ी पैरेंट क्लास है. यहाँ पे हम फिर से एक बार करके देखते हैं 20 डिवाइड बाय 2 एंड यू कैन सी नाउ दिस इज अ हैंडल्ड, और ये किसने हैंडल किया? एरर, और एरर वाला कौन सा रखा था मैंने? लास्ट वाला एक्सेप्शन. तो इस तरीके से हमारा होता है. तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि इसको बोला जाता है मल्टी कैच बॉडीज, राइट? अब यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे क्या चीज़ें पॉसिबल है और क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है एज अ इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव, कि कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं और कितनी चीज़ें नहीं कर सकते, वो चीज़ों को समझ लेते हैं. सबसे पहले अगर आप एक भी कैच बॉडी नहीं डालते तो चलता है, याद रखना कि अगर मैं एक भी कैच बॉडी नहीं डालूँ तो भी चलता है, पर फाइनल होना चाहिए, बिकॉज तीनों भाई है, तीनों भाई में से दो भाई प्रेजेंट होने चाहिए आपके प्रोग्राम में. अगर आप ट्राई यूज़ करो, ट्राई बोलता है कि मैं अकेला नहीं आऊँगा प्रोग्राम में, अगर एक तो ट्राई आऊंगा एक तो कैच आएगा, या तो फिर ट्राई एंड फाइनल, आप ये चीज कर सकते हैं. सर इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज कि भाई एक तो एग्जीक्यूट होगा एक तो नहीं होगा. इसमें हैंडलिंग नहीं रखा है, सिर्फ हमने बोला कि ट्राई और हैंडलिंग कुछ भी नहीं रखा. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज फाइनल. फाइनल एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इसमें एक्सेप्शन आए नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. ओके, राइट? नेक्स्ट चीज याद रखिए, अगर आप कैच बॉडी डाल रहे हो, मल्टीपल कैच बॉडी डाल रहे हो, तो कभी भी एक्सेप्शन जो सबसे बड़ा पेरेंट क्लास है इसको सबसे पहले मत डाल देना या सेकंड मत डालना. क्यों ऐसा? बिकॉज अनरीचेबल कोड हो जाएगा. सर अनरीचेबल कोड इज यू कैन सी देयर इज अ एरर. क्या बोल रहा है वो देखते हैं, क्या बोल रहा है? अनरीचेबल कैच ब्लॉक. व्हाई? बिकॉज JVM को अगर ये सबसे पहले दिख गया तो वो इसको ही एग्जीक्यूट करेगा, वो इन लोगों को चेक ही नहीं करेगा, राइट? इसीलिए आप पहले ही बड़ा वाला एक्सेप्शन नहीं डाल सकते. आपको अगर डालना है तो उसको सबसे लास्ट में डालना पड़ेगा, सेकंड भी नहीं चलेगा, थर्ड भी नहीं चलेगा. रीजन बता दिया,
बिकॉज अगर JVM को सबसे पहले एक्सेप्शन दिख गया तो वो ऊपर वाले को टेस्ट ही नहीं करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा. सर प्रॉब्लम क्या, अगर इसको एग्जीक्यूट करेगा हमेशा तो ये तो अनरीचेबल कोड होगा ना, ये तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. दैट्स व्हाई इसको कभी भी पहला एक्सेप्शन नहीं रखना है, ये चीजें याद रखना. हाँ, अगर आप एक भी कैच बॉडी लगाते हो तो भी चलता है, बट उसमें आपको सबसे बड़ा एक्सेप्शन को यूज करना है. छोटे वाले एक्सेप्शन सिर्फ इंडिविजुअल एक्सेप्शन को ही हैंडल कर सकते हैं, मतलब एरेंडिस आउट ऑफ बॉन्ड, एरेंडिस आउट ऑफ बॉन्ड वाला ही एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन या फिर अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकता. राइट, तो इसको बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन का मीनिंग होता है एरर्स, रन टाइम ऑफ एरर्स, बिकॉज कंपाइल टाइम तो खुद आईडीई ही हैंडल कर लेता है, बट रन टाइम के एरर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं और उन चीजों को हैंडल किया जाता है. ये चीज आपको समझ में आई? यस सर. सो कस्टम एक्सेप्शन वाला कांसेप्ट क्या है, जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन? यस, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. ये जो अब हमने एक्सेप्शन पढ़ लिए, अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन है हमारे पास दो ही टाइप, मतलब जितने जावा ने डिफाइन किए हैं जावा के JDK 1.0 में उतने ही एक्सेप्शन है, बट इतने ही एक्सेप्शन हमारे काम में आएगा ऐसा तो नहीं है ना. इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शन हम खुद के ओन क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई सिस्टम बना रहा हूँ और उसमें मुझे एक्सेप्शन देना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रिंटर डिवाइस के लिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहता हूँ. तो अगर प्रिंटर में पेज लटक जाता है या फिर इंक खत्म हो जाती है तो दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन. राइट, कि पेज लटक गया तो वो मशीन का एक्सेप्शन है ना, मतलब एरर इज नथिंग बट एक्सेप्शन, रन टाइम में आया. अब ये चीज के लिए मैं वहां पे ये तो नहीं दिखा सकता कि एरर आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन या फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा ओन एक्सेप्शन को क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे वो बोले पेज इज स्टक इन द प्रिंटर, ऐसे टाइप के. ठीक है, जहाँ पे यूजर अपने अप्रोप्रिएट खुद के एक्सेप्शन को फॉर्म कर सके, इस टाइप के एक्सेप्शन को बोला जाता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या फिर कस्टम एक्सेप्शन. तो अभी हम वो देखेंगे. अब कस्टम एक्सेप्शन इसके पहले क्यों नहीं पढ़ाया, बिकॉज कस्टम एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइंड कस्टम एक्सेप्शन के लिए हमें दो कीवर्ड्स का यूज होता है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज थ्रो कीवर्ड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज थ्रोज कीवर्ड. ये दोनों कीवर्ड दिखने को एक जैसे है पर बोथ आर वर्क डिफरेंटली, दोनों डिफरेंटली वर्क करते हैं. तो ये चीजें हमें देखनी है. तो एक्सेप्शन के लास्ट टॉपिक में यही चीज आता है, थ्रो एंड थ्रोज. What is the difference between throw and what is the difference between throws? Throw and throws में क्या difference है ये check किया जाता है. Okay, so चलो देखते हैं. संकेत, any question custom exception में? नहीं. Okay, यहाँ पे मैं आपको difference दिखा रहा हूँ, तो मैं ये चीज मेरे notes में नहीं है because ये interview questions है. तो यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको कोई भी एक website, कोई भी वेबसाइट हो सब में सेम ही डेटा रहेगा आपके लिए. तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले थ्रो कीवर्ड के ऊपर कि यार थ्रो कीवर्ड है क्या और कैसे क्या यूज किया जाता है. सो यू कैन सी थ्रो. अब थ्रो जो है विदाउट एस, यहाँ पे याद रखिए टू टाइप ऑफ थ्रो है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और यहाँ तक कि मैं भी जब एज अ बिगिनर था तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था. तो याद रखिए यहाँ पे ये जो थ्रो है इसमें एस का उच्चार नहीं है, थ्रोज नहीं है, ये थ्रो है. और सेकंड वाला जो है उसमें एस का उच्चार आपको दिख रहा होगा, क्या सी थ्रोज. दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज कि दोनों एक जैसे वर्क करते हैं, नहीं, ये दोनों भी डिफरेंटली वर्क करते हैं. चेक करते हैं किस तरीके से वर्क होता है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं थ्रो कीवर्ड एंड नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रोज कीवर्ड. याद रखिए जिसमें एस का उच्चार होता है सभी में, सभी कीवर्ड्स में जहाँ पे भी एस का उच्चार होता है तो वो क्लास के पीछे दिखता है या तो फिर आपको मेथड के पीछे दिखता है. सर मतलब जैसे एक्सटेंड्स इम्प्लीमेंट्स, ये इनमें भी एस का उच्चार दिख रहा है और ये कहाँ पे हमें दिखते हैं, कभी भी क्लास के बाद. आप क्लास डिक्लेयर करने के बाद आप क्लोज की सॉरी एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हो या फिर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड. तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको याद रखना है कि ये जो थ्रो है ये भी किसी के पीछे नजर आएगा, वो डायरेक्टली नजर नहीं आएगा, वो भी किसी मेथड के पीछे, क्लास के पीछे. अभी तो मैंने बताया नहीं है बट मेथड के पीछे ये यूज होता है, अभी बस मैं मेंशन कर रहा हूँ. नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज थ्रोज, थ्रो थ्रो विदाउट एस. ये जो कीवर्ड है ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन फॉर्म करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं किस तरीके से होता है. तो क्या लिखा है थ्योरी में, चलो पढ़ते हैं. द जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब ओन, थ्रो एन एक्सेप्शन जबरदस्ती. वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन इन जावा. अच्छा एक क्वेश्चन संकेत, व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड व्हाट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन? कंपाइल टाइम अनचेक
आवाज ही नहीं है आपका, थोड़ा कटा, क्या बोले आपने? सॉरी, चेक एक्सेप्शन ऑक्योर इन कम. हेलो हेलो, आपका थोड़ा आवाज कट रहा है. हेलो, हाँ अभी आ रहा है, बोलो. चेक एक्सेप्शन ऑक्योर इन, चेक एक्सेप्शन ऑक्योर इन कंपल्टिंग. हाँ हाँ जैसे एंड कि अनचेक टेक रन टाइम. जैसे और कौन से हार्मफुल होते हैं? एग्जांपल हार्मफुल अनचेक. एग्जाम्पल एग्जाम्पल सॉरी, कॉल आया था. ओके, अच्छा कोई बात. बताओ क्या है? या जैसे चेक एक्सेप्शन लाइक जैसे कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसमें एग्जांपल ओके जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन. चेक एक्सेप्शन आता है मींस कंपाइल टाइम में इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन द. या इस तो चेक एक्सेप्शन हैंडल करता है जावा या अनचेक एक्सेप्शन हैंडल करता है? चेक टाइप एक्सेप्शन हैंडल करता है या अनचेक टाइप? अनचेक टाइप. अनचेक टाइप. और चेक टाइप को कौन हैंडल करेगा? जेवीएम खुद हैंडल करेगा. तो हमें कौन से टाइप के एक्सेप्शन हैंडल जेवीएम करना करें. पड़ेगा? यस जेवीएम. अब देखिए, अब मैं आपको आपको यस आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ. देखिए चेक टैग के एक्सेप्शन कौन से होते हैं? अगर हम कोई भी गलती कर दे कंपाइल टाइम में, तो कंपाइल टाइम में ही हमें पता चल जाता है कि ये एक्सेप्शन आने के चांसेस है, राइट? जैसे आपने जो बताया क्लास नॉट फाउंड या जो एक्सेप्शन, हाँ जो करेक्ट. रन टाइम में जो एक्सेप्शन आप हाँ रन टाइम में जो अक्षर होते हैं जो हाँ रन हाँ टाइम में यानी अनचेक एक्सेप्शन ऑफ करते हैं हाँ रन टाइम में जो होता है वो अनचेक एक्सेप्शन. तो अनचेक जावा, हाँ होते यस, वही. जावा में आप दो कीवर्ड का यूज करके चेक एक्सेप्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो और अनचेक एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हो, ओन एक्सेप्शन, ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन. द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो द कस्टम एक्सेप्शन, मतलब आपके खुद के मैसेजेस के साथ आप कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो. किस तरीके से? आप उसमें आप कोई भी एक्सेप्शन को यूज कर सकते हो. आप चाहो तो आईओ एक्सेप्शन यूज करो, आप इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन यूज करो, आप कौन से भी टाइप के एक्सेप्शन यूज करो, नो इशू, आप कोई भी टाइप के एक्सेप्शन आप यूज कर सकते हो. अब चलो देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से होता है. याद रखिए थ्रो कीवर्ड जो होता है वो कभी ना हमेशा आपको किसी तो भी कोई तो भी चेक और अनचेक एक्सेप्शन के साथ आपको दिखेगा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, मतलब न्यू ऑपरेटर के साथ ही आपको नजर आएगा. थ्रो कीवर्ड नॉर्मली जनरली नॉर्मली फॉर्म में यूज नहीं होता, जिसे थ्रो कीवर्ड यूज होता है. थ्रो जो है उसके पीछे में एक्सेप्शन का नाम लिखा होता है और जो थ्रो है उसके पीछे में फॉलोड बाय न्यू कीवर्ड होता है. तो याद रखिए आप जब भी थ्रो कीवर्ड देखोगे तो उसके पीछे में आपको न्यू ऑपरेटर नजर आएगा, ठीक है? अब इस वाले चीज को मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करके भी देखें. यहाँ पे देखिए क्या किया, एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम है टेस्ट थ्रो वन, एंड उसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेट. अब वैलिडेट मेथड क्या कर रही है? एक आर्गुमेंट दे रही है, मतलब एज एज अ आर्गुमेंट दे रही है. यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा एक कंडीशन रखा है, अगर एज 18 से कम रहा तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है. एक्सेप्शन थ्रो करना मतलब जबरदस्ती, ऐसा कोई एक्सेप्शन है क्या जो अगर एज 18 से नीचे रहा तो कोई एक्सेप्शन आएगा? ऐसा कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं. यहाँ पे वो यूज कर रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन. आप चाहो तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कर सकते हो, आप कुछ भी, मतलब चेक या अनचेक में से कोई भी टाइप का आप एक्सेप्शन को यूज कर सकते हो. यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप उसको किस कैटेगरी में रख रहे हो, आपका जो भी एक्सेप्शन है. अब यहाँ पे नंबर का एक्सेप्शन है इसलिए आप नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो कुछ भी ले सकते हो.
यहाँ पे मैंने थ्रो किया, मतलब जबरदस्ती यहाँ पे एक्सेप्शन आने नहीं वाला था. ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो बोले कि अगर एज जो है 18 से नीचे है तो एक्सेप्शन को क्रिएट कर दो, ऐसा नहीं है. तो हम यहाँ पे जबरदस्ती ओन अपना एक्सेप्शन क्रिएट करें. बट यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी आया था उस केस में हमारा जो है वो डिवाइड बाय जीरो करके मैसेज आता है. यू कैन सी हमारा जो एक्सेप्शन का नाम होता है वो डिवाइड बाय जीरो होता है. बट मुझे ये मैसेज नहीं चाहिए, मुझे जो मैसेज चाहिए वो खुद का चाहिए. तो यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे मैसेज पास किया है उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर. क्या पास किया है? नॉट वैलिड और एज नॉट वैलिड. मतलब जो भी कस्टम एक्सेप्शन का मैसेज डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो और वो वाला एक्सेप्शन क्रिएट होगा. अगर हाँ एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होगा तो ऑफकोर्स बात है ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी और हमें नॉर्मली पता है कि एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होंगे और एल्स बॉडी मतलब वेलकम टू वोटिंग वाला लिख के आएगा. अब यहाँ पे एक्सेप्शन जबरदस्ती ऑकर्ड हो रहे हैं, मतलब हमें वैलिडेशन को ट्राई कैच की बॉडी में डालना पड़ेगा. अगर ट्राई कैच की बॉडी में नहीं डालोगे और अगर ऐसा कोई नंबर पास करोगे जो नंबर 18 से नीचे है तो ऑफकोर्स बात है एक्सेप्शन थ्रो होगा. ऑफकोर्स बात है यहाँ पे क्या होगा? एक्सेप्शन थ्रो होगा. यस, हम ये चीज को करके देख लेते हैं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं. सेम मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ सेम इसमें, तो है बेटर सेकंड. पूरा तो नहीं कर सकता मैं, तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पहले मैं मेथड डाल देता हूँ, देन मैं एग्जीक्यूट कॉल कर देंगे उसको. मेरे पास क्लास टेस्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, मैं टेस्ट क्लास के अंदर ही कर देता हूँ. अब ये जो मेरी मेथड है वैलिडेट, ये मेरी स्टैटिक मेथड है. मतलब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है टेस्ट क्लास की, बिकॉज ये स्टैटिक है. स्टैटिक होने से मैं क्लास नेम से डायरेक्टली वैलिडेट मेथड को कॉल कर सकता हूँ. और यहाँ पे तो सेम क्लास के अंदर ही मेन मेथड है तो मैं डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूँ इस मेथड को. कोई जरूरत नहीं टेस्ट क्लास को बताने की बिकॉज मैं उसी क्लास के अंदर हूँ. तो अभी फिलहाल के लिए ये जितना भी मैंने कोर्स किया था इस चीज़ों को रखता हूँ साइड, मतलब उसको रखता हूँ कमेंट कमेंट आउट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ों को कर दिया हमने कमेंट, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे आपका नज़र किसके ऊपर ही रहे. तो मैं इस मेथड को कॉल करने की कोशिश करता हूँ विदाउट ऑब्जेक्ट. तो चलो चेक करते हैं क्या मैं वैलिडेट मेथड को कॉल कर सकता हूँ क्या. एंड ये बोल रहा है नहीं, तो मुझे क्लास का नाम बताना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि टेस्ट क्लास के अंदर की वैलिडेट मेथड जो है वो मुझे चाहिए. वो क्या आर्ग्यूमेंट मांग रहा है? एज मांग रहा है. तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ 12. चेक करते हैं इस मेथड को. तो 12 यहाँ से गया एज में और एज से यहाँ पे आया. 12 इज लेस देन 18, कंडीशन सेटिस्फाइड. कंडीशन सेटिस्फाइड को मैन्युअली हमने एक एक्सेप्शन को थ्रो किया है और लिखा है मैसेज में नॉट वैलिड. चेक करते हैं ये एक्सेप्शन आ रहा है क्या. एंड यू कैन सी देयर इज अ एक्सेप्शन, क्योंकि हमने खुद ने फॉर्म किया. इस टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं था, इस टाइप का कोई मैसेज नहीं था, बट हमने इस यहाँ पे इस जगह पे खुद का ओन एक्सेप्शन क्रिएट किया है. नॉट वैलिड फॉर, अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, नॉट वैलिड फॉर वोटिंग. एंड सेव एंड आप यहाँ पे रन कर सकते हो. एंड यू कैन सी देयर इज अ कस्टम एक्सेप्शन क्रिएटेड, नॉट वैलिड फॉर द वोटिंग. मतलब आप वोटिंग के लिए वैलिड नहीं हो. ठीक है, नेक्स्ट हम एज डाल के देखते हैं ग्रेटर देन 18, मतलब 21, 22 जो डालना आप डाल सकते हो, और देखते हैं एक्सेप्शन ऑफर हो रहा है क्या. एंड यू कैन सी देयर इज नो एक्सेप्शन बिकॉज हमारी कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई और वो एल्स पार्ट में आ गया और लिख के आ गया वेलकम टू. अच्छा अब ये हो गया, तो क्या सर इस एक्सेप्शन को भी हम हैंडल कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, बिकॉज देयर इज अ एक्सेप्शन वी कैन हैंडल इट. तो अगर आपका कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो ऑफकोर्स बात है आप उस एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हो बाय यूजिंग ट्राई कैच. तो सर यहाँ पे कौन सा टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करेंगे? हमें हैंडल करना पड़ेगा एक्सेप्शन या फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन. एंड वो जो एक्सेप्शन आ रहा था उसके जगह पे हम हमारा खुद का हैंडलिंग भी दे सकते हैं. एंड मैं यहाँ पे कर दिया और मैंने बोल दिया है हे, है ना, हे देयर is there is an exception और प्रिंट कर देंगे what type of exception is offered. e जो वेरिएबल है वो मैसेज को शो करने के लिए यूज होता है, e वेरिएबल से प्रिंट कर. अच्छा अब तो मेरा आंसर ये जो था वो तो 20 था, तो ये तो एक्सेप्शन नहीं होगा. मैं 18 ही डाल देता हूँ. 18 इज नॉट लेस देन 18 एंड यू कैन सी देर इज अट द हेक, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. Suppose 12, maybe it's not saved. हो सकता है, क्या problem है? You can see, hey, there is an exception. Java dot lang dot arithmetic exception and own exception is formed. Not valid for the voting. ये वाला exception हमने खुद ने form किया है. तो ये आपको समझ में आया है?
menu line try karte hain but second and one more time and you can see ye side mein ja raha tha maza nahi aa rahi thi isko main isko niche mein rakha not very probable तो आप इस तरीके से कस्टम एक्सेप्शन फॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग थ्रो. याद रखना है थ्रो जो है वो हमेशा फॉलोड बाय द न्यू कीवर्ड. ये चीज याद रखना है. खुद के ओन एक्सेप्शन को भी आप क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट. यस नेक्स्ट. समझ में आया है तो थ्रो समझ में आया तो थ्रो इजीली समझ में आता है. ओके नेक्स्ट वाला चलते हैं थ्रोज. थ्रोज क्या है? थ्रोज मतलब कि सपोज ऐसा इस चीज को ना मैं पहले नॉन टेक्निकल फॉर्म में बताता हूँ जिससे आपको याद हो जाए फिर उसको टेक्निकल लेके जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोन है. ठीक है मेरे पास एक फोन है. सपोज मेरे पास जैसे अभी इसके पहले मेरे पास एक मोटरोला करके फोन था. ठीक है मोटरोला पता भी नहीं मेरे को याद भी नहीं. तो वो मोटरोला जो फोन था उसका जो स्क्रीन था वो टूटा था. टूटा इन द सेंस वो चलता ही नहीं था. ऊपर का जो पोर्शन है इतना पोर्शन ये वर्क ही नहीं करता था. मतलब इट इज नॉट वर्किंग बट ये पोर्शन जो है वो वर्क करता था. तो मैं उस फोन को वैसे ही यूज कर रहा था. मतलब मैं उसको ठीक नहीं किया. मैंने उसी को वैसे ही तरीके से मैं यूज करते रहा. अब यूज किया यूज किया. अब मैं कैसे यूज करता था? जब भी मुझे ऊपर की चीजों को टच करना है तो मैंने 360 रोटेशन वाला एक एप्लीकेशन डाल दिया. तो उससे क्या हुआ, जब भी मुझे ऊपर की चीजों को टच करना है तो मैं पलटा देता था मोबाइल टोटली अपसाइड डाउन एंड मैं फिर उसको नीचे से एक्सेस कर पाता था. तो वैसा करके मैंने बहुत दिन चलाया. अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद अब मुझे नया मोबाइल चाहिए तो मैंने सोचा इसको क्यों ना सेल कर दूँ. तो मैंने इसको डाल दिया OLX पे. OLX Twitter जो भी आप समझ रहे हो उस चीज पे मैंने इसको डाल दिया, मतलब सेलिंग पर्पज के लिए. अब अज्यूम करो कि जो फोन है इसको दो तरीके से मैं OLX पे डाल सकता हूँ. कैसे? सबसे पहला फंडा, सबसे पहली चीज को मैं इसको ठीक कर लूँ और ठीक करके OLX पे डाल दूँ. अब बात ऐसी है कि प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें मिलती हैं मार्केट में. फर्स्ट वन इज ओरिजिनल डिस्प्ले, ओरिजिनल टच एंड सेकेंड वन इज अ डुप्लीकेट टच. अब मैंने सोचा कि अगर मैं ओरिजिनल चीज़ें डाल दूँ तो मेरा कॉस्ट ज़्यादा जाएगा. ओसी बोल देता हूँ मैं, ओरिजिनल कॉपी. अगर ओरिजिनल डाल दूँ, ओरिजिनल ओ रखता हूँ, ओ इज द ओरिजिनल एंड ओ सी इज द ओरिजिनल कॉपी. ठीक है अगर मैं ओरिजिनल डालता हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5K चला जाएगा. वहीं पे अगर मैं डुप्लीकेट स्क्रीन डाल देता हूँ तो मेरा 2K जाएगा. तो ऑफकोर्स बात है आपके ब्रेन में आएगा कि सर 5K से अच्छा तो 2K वाली डिस्प्ले डाल दे तो सही है. पर मैं सोचा कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँ ही क्यों अगर मैं इसकी कॉस्ट, अगर ये चीज़ें डालने के बाद इसकी कॉस्ट अगर मैं को मिलने वाली है 5000 ही, राइट? और डिस्प्ले डालने के बाद भी मुझे 5000 मिलने वाली है तो मैं क्यों ही डिस्प्ले डालूँ? तो मैंने क्या सोचा कि ये चीज़ को ठीक करने से अच्छा मैं इसको 5000 में ना बेचते हुए लोएस्ट अमाउंट में डाल देता हूँ. कि मैंने इस पर अमाउंट डाल दिया 3000 कि भाई जिसको भी चाहिए 3300 में लेके जाओ. बट प्रॉब्लम क्या है, जैसा है वैसे सिचुएशन में आपको लेके जाना पड़ेगा. मतलब मैंने चीजें चेंज किए क्या? नहीं. अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना है. बात समझ में आ गई? मतलब जो भी नेक्स्ट पर्सन उस चीज को यूज करेगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो एक्सेप्शन वहां पे हैंडल नहीं कर रहे हो. जो बंदा बना रहा है या फिर जो बंदा जो भी कुछ कर रहा है वो वहां पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहा है, वो फॉरवर्ड कर दे रहा है वो टाइप के एक्सेप्शन को किसके ऊपर? जो भी यूज करेगा उसके ऊपर. तो जो भी थर्ड पर्सन रहेगा जो OLX से परचेस करेगा बाद में वो प्रोसेस वो बंदा करते बैठेगा. मतलब जो भी यूजर यहाँ से मेरे पास से खरीदेगा वो पर्सन उसमें एक तो ओरिजिनल डिस्प्ले डाले या सेकेंड हैंड डिस्प्ले डाले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. उसको जो लगेगा वो उसके अप्रोप्रिएट हैप्पीली वो चीज़ें करेगा. ये सेम प्रोसेस अभी टेक्निकल फॉर्म में समझते हैं और ये क्यों ऐसा रखा है इन लोगों ने. अब बात ऐसी है कि अगर सब चीजें सब चीजें सबका जो हैंडलिंग है अगर उन लोगों ने ही कर दिया होता, उन लोगों ने इन द सेंस जिन्होंने भी वो मेथड बनाई है, जिन्होंने भी वो क्लासेस बनाई है, अगर उनका हैंडलिंग उन्होंने पहले ही कर देते थे तो हम कभी भी कस्टम एक्सेप्शन या फिर क्या बोलूं हैंडल करना है या नहीं करना है ये हमारे हाथ में रहा ही नहीं होता. वो पहले से हैंडल्ड होता और हैंडल्ड होता तो वो कुछ भी टाइप का हैंडल्ड होता, हमें हैंडल करने की जरूरत ही नहीं मिलती कभी. तो ये चीज ना होते हुए उन्होंने बोला कि मैं तो मेथड बनाऊंगा. मतलब मेथड डिक्लेयर करने वाला मेथड्स को क्रिएट करेगा और मेथड में हो सकते हैं एक्सेप्शन, तो वो एक्सेप्शन वो ना हैंडल कर दे हुए जो भी बंदा जो भी यूजर उसको यूज करेगा
वो उसको हैंडल करेगा. पॉइंट समझ में आ गया? राइट. पॉइंट समझ में आया? मतलब जो भी पर्सन उस मेथड को यूज करना चाहता है वो पर्सन उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. अब उसके ऊपर है कि वो हैंडल करना चाहता है या फिर वो भी आगे फॉरवर्ड करना चाहता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैसे वो फोन को ले लिया और आपने रखा कुछ टाइम तक, आपने भी वैसा यूज किया और फिर आपने भी नया मोबाइल ले लिया, तो आपने उसको आगे में वैसे ही सेल कर दिया. तो मतलब एक तो आप उस सिचुएशन को सॉल्व करोगे, एक तो आप नहीं करोगे. तो यहाँ पे भी वैसा ही है. अगर आप हैंडल करोगे मतलब आप ट्राई कैच की बॉडी लगाओगे, अगर आप हैंडल नहीं करोगे मतलब वो एक्सेप्शन को आप आगे थ्रो कर रहे हो. राइट. थ्रो करना मतलब फेंकना, और यहाँ पे उसका मीनिंग एग्जैक्टली वही होता है. तो जावा थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन. इट इज गिव द इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर मे बी ऑकर एन द एक्सेप्शन. सो इट इज बेटर फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज मेंटेन. एक्सेप्शन हैंडलिंग इन मेनली यूज टू हैंडल द चेक एक्सेप्शन. ठीक है, सिर्फ चेक टाइप के एक्सेप्शन ही हैंडल करता है ट्राई कैच. इफ देयर आर ऑकर एनी अनचेक्ड एक्सेप्शन, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस टाइप के अनचेक्ड एक्सेप्शन या फिर ओवरफ्लो एक्सेप्शन, इट इज प्रोग्रामर डिफिकल्ट दैट इट इज नॉट परफॉर्म चेकअप बिफोर द कोड बीइंग यूज्ड. अगर हम नहीं कर सकते उस चीज को चेक, तो इसलिए हमें फोर्सफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जैक्ट चीज बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो थ्रोस कीवर्ड है ये बहुत, मतलब आप यूज करोगे तो भी चलता है, कभी यूज नहीं किया तो भी चलता है. तो उसके लिए जहाँ पे यूज करने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, वही वाला सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे कल जाके हम एक चीज पढ़ने वाले, दैट इज कॉल्ड एज JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करते हैं. याद है क्या आपको, आपने पढ़ा है, हम क्या करते हैं ड्राइवर क्लास को रजिस्टर. ड्राइवर क्लास को, यस, ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करने के लिए हमें एक क्लास की जरूरत पड़ती है जिस क्लास का नाम ही क्लास है. मतलब जावा में ऐसे भी एक क्लास है जिसका नाम क्लास है. जैसे हमने पढ़ा था जावा में ऐसे भी एक क्लास है जिसका नाम ऑब्जेक्ट है, वैसे ही जावा में और एक क्लास है जिसका नाम क्लास ही है. उस क्लास है, उस क्लास के अंदर एक मेथड है जिसे कॉल्ड एज फॉर नेम मेथड. फॉर नेम जो मेथड है ये एक एक्सेप्शन को थ्रो करती है. अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सेप्शन को थ्रो किया है. यहाँ पे मैं डबल कोट्स में अगर डालू और यहाँ पे मैं टर्मिनेट करूँ, तो देखिए देयर इज अ फॉर नेम, क्या हो गया, हाँ यू कैन सी देयर इज अ एक्सेप्शन. कौन से टाइप का एक्सेप्शन है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. और ये एक्सेप्शन कब आता है? जब अगर आपने इसके अंदर कुछ डाला और ये चीज पॉसिबल नहीं हुई तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ये बस चेक करता है, ये सिर्फ चेक करता है कि वो एक्सेप्शन है या नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड है, हो रहा है या फिर नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी JDBC से रिलेटेड कोई फाइल ऐड नहीं की है रेफरेंस, और मैं अगर मैं यहाँ पे डाल दू JDBC.mysql.local, मैं कुछ भी लिख दूँ तो भी ये एक्सेप्शन फॉर्म होगा, बिकॉज ऐसा करके कोई भी क्लास प्रेजेंट नहीं है. और मैं अगर इस चीज को रन करूँ तो देयर इज अ एरर, देयर इज अ एरर, एक्स्ट्रा हो गया, एंड यू कैन सी देयर इज अ एक्सेप्शन. मैंने तो क्लियर भी नहीं किया, तो भी देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया. अब ये एक्सेप्शन क्या है, देखो क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड. अगर मैं बात बताऊं, यस, तो यहाँ पे आपको दो तरीके से आप इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो. पहला नॉर्मल तरीका, ट्राई एंड कैच बॉडी. तो यहाँ पे मैं पहला तो नॉर्मल तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा. सर ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज फॉर नेम जो मेथड है वो थ्रो करती है कौन से टाइप का एक्सेप्शन? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. और ये आपको करना ही पड़ेगा. अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल. देखिए मैं इसको हटाता हूँ, देयर इज अ एरर, वो एरर जाएगा ही नहीं. कंपाइल टाइम में एरर दिया. आपको दो चीजों में से एक करना पड़ेगा, एक तो ट्राई कैच केस में करना पड़ेगा और आपको हैंडल करना पड़ेगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. अदरवाइज सेकेंड चीज जो चीज हम पढ़ रहे हैं, क्या एक्सेप्शन मैंने बोला था, एक तो जैसे मैं ये फॉर नेम यूज कर रहा हूँ मैं, तो फॉर नेम जो जिसने मेथड बनाई थी उसने उस एक्सेप्शन को वहां से थ्रो किया है. उन्होंने बताया है हमें कि इस मेथड में इस टाइप का एक्सेप्शन आने के चांसेस है. आप चाहो तो उसको हैंडल करो, हैंडल करो मतलब ट्राई कैच की बॉडी में सराउंडेड लिखो, अदरवाइज आप भी आगे थ्रो कर दो. सर आगे थ्रो करना मतलब आप डिक्लेरेशन डाल सकते हो थ्रोज,
यू कैन सी क्रोज, क्रोज हैंडल नहीं करता, क्रोज आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है. आगे फॉरवर्ड करने का काम मतलब उसने वो मेन में फॉरवर्ड कर दिया, तो मेन को जो एग्जीक्यूट करेगा वो बंदा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी हैंडल करेगा. अगर मैं बात बोलूं तो मेन को हैंडल करता है जेबीएम, और यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी हैंडल करेगा जेबीएम. तो यहाँ पे हम भी हैंडल नहीं कर रहे, ये जो हैंडल किया जाएगा वो हमारे जेबीएम के थ्रू करा जाएगा. और जेबीएम जब हैंडल करता है तो कुछ इस तरीके से ही करता है. आपको समझा है? तो थ्रोज कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, हमें जब एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना, हमें कुछ देर के लिए आगे में फॉरवर्ड कर देना है, तो आप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को यूज कर सकते हो. ये चीजें बहुत बार यूज होती है थ्रोज कीवर्ड. समझा है? यस. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोज एंड थ्रो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो throw and throws? Throw keyword we can use work like tag tie block. Mm-hmm. Okay. In purpose of means exception. Since we can create an exception object. कोई बात. There are five difference. ये difference याद रखना है आपको. या तो फिर आप लिख लो या screenshot ले लो. ऑनलाइन पर भी मिल जाएगा. जावा क्या बोल रहा है? जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन. मतलब आपको अगर कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करना है तो आप यूज करते हो थ्रो कीवर्ड. अगर आपको डिक्लेयर करना है कि बताना है कि इसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस है, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो? थ्रोज. थ्रोज. अगर आपने थ्रोज किया तो अगले वाले को उस चीज को हैंडल करना पड़ेगा, है ना. मतलब आप इन्फॉर्म कर रहे हो, एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को इन्फॉर्म कर रहा है. जैसे यहाँ पे जिसने भी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्रिएट किया है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर मेथड क्रिएट किए, उसने मुझे बताया कि ये मेथड को यूज करने के बाद आपको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आने के चांसेस है. एक तो आप इसको हैंडल करो या तो फिर आप भी आगे थ्रो कर दो. तो सेम चीज यहाँ पे भी वैसे ही है. तो यहाँ पे बोला है जावा थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन. सेट एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड थ्रू द थ्रो ओनली. मतलब सिर्फ आप सिर्फ थ्रो कीवर्ड लिख के आप यूज नहीं कर सकते, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है न्यू कीवर्ड, मतलब न्यू ऑपरेटर आपको हैंडल करना पड़ता है. बट चेक एक्सेप्शन कैन बी प्रोपोगेटेड विद द थ्रोस कीवर्ड. आप चेक टाइप के एक्सेप्शन थ्रोस कीवर्ड के थ्रू कर सकते हो. नेक्स्ट, थ्रो इज ऑलवेज फॉलोड बाय द इंस्टेंस. देखो फिर से यही स्टेटमेंट को फिर से एक बार आना. ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है. थ्रो इज फॉलोड बाय द क्लास. मतलब क्लास के डिक्लेरेशन के पीछे या फिर मेथड के डिक्लेरेशन के पीछे, सिग्नेचर के पीछे आपको दिखेगा वो. थ्रो इज यूज विद इन द मेथड. मेथड के अंदर दिखेगा आपको, विद इन अ मेथड. एंड जो थ्रोज है इट इज यूज टू विद इन द मेथड सिग्नेचर. सिग्नेचर बोलो, प्रोटोटाइप बोलो, है ना. यस, यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे कैसा डिक्लेयर किया, मेन के बाजू में डिक्लेयर किया. अगर आप फॉर नेम देखोगे तो फॉर नेम में भी आपको वैसा ही दिखेगा, फॉर नेम और उसके बाजू में थ्रोज कीवर्ड को यूज किया है. और हमने भी वही फंडा यूज किया है. तो आप किस तरीके से कर सकते हो. लास्ट वन, यू कैन नॉट थ्रो द मल्टीपल एक्सेप्शन. यस, आप न्यू कीवर्ड का यूज करके आप मल्टीपल एक्सेप्शन को जबरदस्ती कस्टमाइजली थ्रो नहीं कर सकते. आप कोई भी एक एक्सेप्शन को थ्रो करोगे, बट यू कैन डिक्लेयर अ मल्टीपल एक्सेप्शन इन द मेथड. आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो. सर मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया और उसके बाद दूसरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड टाइप कनेक्शन. अब यहाँ पे कनेक्शन तो नहीं आएगा बिकॉज मैंने यहाँ पे नहीं डाला, बट यहाँ पे कुछ टाइप के और भी एक्सेप्शन अगर हैंडल करना है तो मैं कॉमा करके डाल सकता हूँ, जैसे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. यू कैन सी, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन को भी मैं थ्रो करवा सकता हूँ. ठीक है, जैसे इसके पहले वाले इसमें यहाँ पे नीचे में ये जो एक्सेप्शन आ रहे थे, तो ट्राई कैच की बॉडी ना लिखते हुए मैं उसको अल्टरनेटली यूज कर सकता हूँ थ्रो. उसके बाद थ्रो कीवर्ड का यूज करके मैं मल्टीपल जितने में चाहूँ एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता हूँ. बट याद रखिए, अगर मैंने ये एक्सेप्शन को थ्रो किया तो ये हैंडल किया जाएगा जेबीएम के थ्रू. तो याद रखिए सभी टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो नहीं किया जाता, बट एरर आ रहा है और आपको कुछ देर के लिए आपको बाद में देखना है, बाद में हैंडल करूंगा ट्राई कैच को, पहले मैं कोड थ्रो कर लूँ. तो उसके लिए आप कुछ देर के लिए आप एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकते हो, बाद में फिर उसको हैंडल कर सकते हो इन फ्यूचर सिनेरियोस में. राइट राइट ओके, पक्का समझा? ऊपर से गया समझा समझा.
ओके सो मैंने यहाँ आपका एक्सेप्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है. इससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको देखना है ऑनलाइन. ओके कल भी मैं क्लास लूंगा, भले ही कल ऑफ है बट मैं उनको कवर करना है तो कल भी मैं क्लास लूंगा. देखता हूँ जल्दी से जल्दी अगर कवर अप हो जाए, और संडे को भी मैं क्लास लूंगा बट इवनिंग टाइम. राइट ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन वाला टॉपिक आपका कवर अप कर दिया, ज्यादा नहीं बचा. नेक्स्ट टॉपिक कल जो मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग. सो आपने पढ़ा है ट्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग? एनी आइडियाज? थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है लेकिन ज्यादा नहीं. तो ये मींस आइडिया लाइक मींस ये थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्या है, कोई इशू नहीं, मैं आपको बताऊंगा स्टेट्स वगैरह. हाँ ये चीज यूज आती है मल्टी थ्रेडिंग, भले ही आपको मैन्युअली आप बहुत ही कम यूज करो बट बैकग्राउंड में ये चीजें होती है. राइट और अगर आप कहीं गेमिंग वाले कंपनीज में चले जाओ तो वहां पे बहुत ज्यादा होता है, और मल्टीटास्किंग वाला कुछ रहा तो उस सिनारियो में तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है. ओके सो एनी क्वेश्चन? थैंक यू. नहीं तो ठीक है, पक्का 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 ठीक है. मैं अगर क्वेश्चन आया तो पूछता हूँ आपको. चलेगा चलेगा, और अभी तक जितना भी हुआ है उसको भी रिवाइज करते चलो, ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना. रिवाइज कर. हाँ क्योंकि अभी कंप्लीट हो गया ना. अब देखो सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग बचा है, देन कलेक्शन टॉपिक. कलेक्शन टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट. मल्टी थ्रेडिंग एक बार का आप स्किप कर सकते हो बिकॉज ये चीज कैसा यूज हो नहीं हो बता नहीं सकता मैं आपको कंपनी में, बट कलेक्शन यूज ना हो प्रोजेक्ट में दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल वाली चीज है. और इसके ऊपर क्वेश्चन ना हो आपको इंटरव्यू में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर जावा का इंटरव्यू नहीं ले रहा, ऐसा समझ लो. राइट सही है. तो फिर ये वाले जो दो टॉपिक्स है इसको तो नहीं बोलूंगा मैं फोर्सफुली, बट या कलेक्शन टॉपिक कभी भी स्किप नहीं करना है. और उसके लिए अच्छे से नोट्स बनाना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं. दो लाइन में आप कोई भी एक कलेक्शन का, कोई भी कलेक्शन का अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ दो लाइन में आप पूरे नोट्स बना सकते हो, और वो नोट्स को आप इंटरव्यू के वक्त यूज कर सकते हो बिकॉज इतने सारे नोट्स पढ़ना दिस इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. ठीक है, इतने जल्दी आप इतना सारा नोट्स नहीं पढ़ सकते हो. तो मैं बताऊंगा कि इन नोट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे दो लाइन में, सिर्फ दो लाइन में हम किस तरीके से इस चीज को याद रख सके. ठीक है, तो शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा बिकॉज इंटरव्यू में आपको शॉर्टकट की हेल्प आएंगे. ओके सो क्या हम सेशन खत्म कर सकते हैं? ठीक है सर. ओके थैंक यू सो मच, प्लीज रिवाइज करते रहो, और कुछ क्वेश्चन आ तो प्लीज. ओके ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ और फिर मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है सर. ओके थैंक यू. थैंक यू सर.